खैर फिर एक मरतबा हाजिर हूँ बीबीएन चैनल के स्पेशल प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड यानी पुर असरार दुनिया को लेकर। तो हो जाइए तैयार डबल रोमांच के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में एक नहीं बल्कि दो दो दिलचस्प स्टोरीज है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड। मैं या करीब करीब हम सभी अपने ड्रेस को लेकर काफ़ी होशियार रहते हैं, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, ड्रेस का सिलेक्शन एंड ऑल। फिर वेस्टर्न ड्रेस और दूसरे पसंद नापसंद बहुत झंबेले के बाद हम अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने एक ऐसे ड्रेस के बारे में सुना है जिसे आप पहन तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना दिलचस्प बात। तो चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला आखिर है क्या। वैसे तो आए दिन सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज अपने ड्रेस को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी ड्रेस वायरल हो रही है जो किसी सेलिब्रिटी की नहीं है। हम जिस वायरल हो रही ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि आप चाह कर भी उसे छू नहीं सकते, यानी टच नहीं कर सकते। कीमत की अगर बात करें तो इस ड्रेस के लिए आपको करीब 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाकई सिक्योरिटी कंपनी क्वांट स्टाम्प के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड मा ने अपनी वाइफ के लिए एक ड्रेस पर 9,500 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 7 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। एक कपड़े के लिए ये बहुत बड़ी कीमत है, खास तौर पर तब जब ये फिजिकल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। ये ड्रेस एक डिजिटल ड्रेस है जिसे फैशन हाउस फैब्रिकेंट की जानिब से तैयार किया गया है। आज के इस दौर को डिजिटल एज के तौर पर जाना जा रहा है, सारी चीजें डिजिटल तरीके से हो रही हैं। ऐसे में अगर डिजिटल ड्रेस भी सामने आ जाए तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। रिचर्ड मा ने इस ड्रेस को लेकर कहा है कि यकीनी तौर से ये बहुत महंगी है, लेकिन ये भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। रिचर्ड का कहना है कि वो और उनकी वाइफ महंगे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन वो इस ड्रेस को बनवाना चाहते हैं। महंगा होने के बावजूद भी ये ड्रेस इसलिए बनवाया क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे वक्त तक हो सकता है। रिचर्ड मा ने कहा है कि 10 साल में हर कोई डिजिटल फैशन पहनेगा, ये एक यूनिक मेमोरी होगी, ये वक्त की एक अलामत होगी। लोगों के अंदर कुछ अलग और नया करने का जुनून सवार होता है और उसे वो करके ही दम लेते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है चीन में। ऐसा क्या है नया, आइए आपको बताते हैं। ये
चीन के ट्रेंड फेयर में एक ऐसा टॉयलेट पेश किया गया जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि इस टॉयलेट में कुल 334.68 कैरेट के 40,815 हीरे भी जुड़े हुए हैं। इस अनोखे टॉयलेट को हांगकांग की एरोन शैम ज्वेलरी फर्म के लिए कोरोनेट ने डिजाइन किया है। इसकी कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए है। इस टॉयलेट की एक और खास बात ये है कि ये बुलेट प्रूफ भी है। एरोन शैम ज्वेलरी फर्म का कहना है कि हमारी कोशिश है कि टॉयलेट में सबसे ज्यादा हीरे जुड़ने की वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाए। अगर ऐसा होता है तो एरोन शैम का ये 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होगा। इससे पहले एरोन शैम 400 कैरेट हीरे से जुड़ा एक गिटार और 10,000 गुलाबी हीरे से जुड़े जूतियां भी बना चुकी है। जहाँ हीरे जुड़े गिटार की कीमत 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, तो वहीं हीरे जुड़े जूतियों की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। इन्हें भी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में पेश किया गया। कैसी लगी आज की दोनों स्टोरीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड के नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बाय बाय, सी यू।